धनबाद जिला प्रशासन लगातार सड़कों पर दुकान लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तो करती है, मगर दुकानदार फिर से अपनी दुकान सड़क किनारे ही लगा देते हैं, जिसके वजह से आए दिन धनबाद में जाम की समस्या बनी रहती है। ऐसा लग रहा है कि अब अतिक्रमणकारियों को प्रशासन का डर ही नहीं। देखिए ये रिपोर्ट। फुटपाथ दुकानदारों के कारण शहर के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था भी लगातार बिगड़ते जा रही है। अतिक्रमण कार्यों के खिलाफ प्रशासन लगातार मुहिम चलाता है, पर सुधार को लेकर अब तक सिर्फ कागजी कोरम ही पूरे किए जाते रहे हैं। शहर के बैंक मोड से लेकर स्टील गेट तक ट्रैफिक सुधार को लेकर कोई ठोस पहल या कवायद अब तक शुरू नहीं की गई है। इस मामले को लेकर एसडीएम कहते हैं कि इस बार कार्रवाई कड़ी होगी, पर कार्रवाई करने से पहले अगर इन दुकानदारों को कहीं और बसा दिया जाए तो शायद सड़क जाम से मुक्ति ही मिल जाएगी और कार्रवाई भी करने की जरूरत नहीं होगी। कभी कुछ नहीं, जिन लोगों ने इनक्रोचमेंट कर लिया बिना अनुमति के, सड़कों को पूरे तरह से घेर लिया है, वैसे लोगों को भी हम लोग हटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। जहां तक जगह चिन्हित करने की है, तो ऐसा नहीं है कि जो लोग हमारे जमीनों पर अतिक्रमण करेंगे तो हम उनके लिए अलग अलग जगहों की व्यवस्था कराएं। ठीक है, वो अपनी व्यवस्था देखें कहां पे उनको अपनी दुकानें लगानी है, क्या करनी है। सड़क किनारे और फुटपाथ पर अतिक्रमण कर दुकान लगाने वालों को एक सप्ताह पहले ही एसडीएम सुरेंद्र कुमार के उग्र रूप का शिकार होना पड़ा था। एसडीएम सड़कों पर लगे दुकानों को तहस नहस करते नजर आए थे और उनके इस कार्रवाई पर दुकानदार और मौजूद लोग काफी हैरान भी दिखे थे। जिले के रणधीर वर्मा चौक, हटिया मोड़ और स्टेशन रोड समेत कई स्थानों पर सड़क किनारे लगे दुकानों को जिला और पुलिस प्रशासन ने हटवा दिया था, पर अभी एक सप्ताह भी नहीं गुजरे कि फिर से फुटपाथ पर दुकानदारों ने सड़क अतिक्रमण कर अपने दुकान लगा दी। दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन हमें कहीं और बसा दे ताकि हम भी वर्षों से सड़क पर हैं और हमें भी एक अदद जगह मिल जाए। हीरापुर हटिया मोड़, ये क्या है जिसपे लगाए हैं? रेडीमेड है, फुटपाथ है। फुटपाथ, गुड। तो फुटपाथ जिसपे आदमी चलेगा उस पर आप दुकान लगाएंगे है? कैसे लगा लिए? क्या एडमिनिस्ट्रेशन आपको मना नहीं कर रहा है? पुलिस ने मना नहीं किया? नहीं, माना तो किया था। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो यहीं दुकान लगाते हुए आए हैं, तो कहाँ जाएंगे? क्या हाँ, अच्छी जगह क्या, जो आप कोई विकल्प नहीं है, बस फुटपाथ पे गरीबी में आदमी आता है ना, पेट का भूख बहुत खतरनाक होता है भैया, गरीब पे कुछ को लगाओ असल जो फुट पे रहेगा आदमी, समझ रहे ना बात। बहरहाल सड़कों पर ट्रैफिक की हालत पहले से ही बदतर है, इस पर फुटपाथी दुकानदार अपने सामान सड़क पर रख देते हैं, इससे सड़क और सक्रिय हो जाती है। सड़क पर सामान होने के कारण गाड़ियों का आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। अगर जिले को ट्रैफिक मुक्त करना है तो जिला प्रशासन को चाहिए कि पहले इन फुटपाथी दुकानदारों को वेंडिंग जोन बनाकर उन्हें वहां शिफ्ट कर दे और उसके बाद ट्रैफिक की बेहतर व्यवस्था करे। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन की रिपोर्ट।